साथियों, संगठन शक्ति, कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये भाजपा की प्राण शक्ति है, हमारा प्राण वायु है। इसे नित निरंतर ऊर्जा देते रहना भी हम सभी का कर्तव्य है। हमें अपने विस्तार के लिए, दूसरों से सीखने के लिए देश के भीतर और बाहर हर तरफ दृष्टि रखनी होगी। हमें विश्व की दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों के साथ भी समन्वय और संवाद बढ़ाने के बारे में काम करना चाहिए। मेरा आग्रह है, हमारे यूथ विंग्स, महिला विंग्स दूसरे देशों की उन पार्टियों के इन विंग्स और कार्यकर्ताओं से जुड़े, अपने अनुभव साझा करें और उनसे सीखें। हमारे सांसदों को भी संवाद, उनके प्रेशर बहुत रहता है, मैं जानता हूं, एक सांसद को इतने प्रकार के काम रहते हैं, लेकिन सांसद के पास जानकारियों के स्रोत भी बहुत रहते हैं, वो कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने में वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, क्योंकि उनको काफी जानकारियों के लिए अवसर मिलता है। उनका लाभ जितना ज्यादा हमें मिले, पार्टी को मिले, हमें कोशिश करनी चाहिए। हम पार्टी में अलग अलग मोर्चों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों के लिए संघर्ष करते रहे। जहां जरूरत पड़ेगी संगठन करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी लोकतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी समर्पण की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। लेकिन साथियों, अब हम उस दायरे में पहुंचे हैं, अब समय आ गया है कि सभी मोर्चे समाज की आवाज उठाने के साथ साथ एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ उनकी हर छोटी मोटी तकलीफों से मुक्ति के आधुनिक तौर तरीके अब क्या हो सकते हैं, कम समय में कम संसाधनों से भी उत्तम से उत्तम परिणाम लाने के तरीके क्या हो, ताकि उनका जीवन बहुत तेजी से बदल सके और 2047 आजादी के जब 100 साल हो, तब विकसित भारत का सपना सिद्ध करने में कोटि कोटि जनों की भागीदारी बढ़े। हर मोर्चे को सोचना चाहिए कि वर्तमान और भविष्य चुनौतियों का स्थायी समाधान कैसे हो। उदाहरण के लिए, हम सभी पहले किसानों की समस्या उठाते थे, किसान मोर्चा उसमें बड़ी भूमिका निभाते थे। हमने किसान सम्मान निधि से लेकर MSP तक कई बड़े फैसले लिए, किसानों की सेवा की। अब किसानों के FPOs बन रहे हैं, कोऑपरेटिव बन रहे हैं, इन्हें मजबूत करने का काम भी भाजपा कार्यकर्ता का ही है। इसी तरह हमने हमेशा झुग्गी में रहने वाले गरीबों की आवाज उठाई। जब हमें सेवा का मौका मिला तो हमने उन्हें पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, गैस कनेक्शन दिए। हमें इसी तरह आगे के लक्ष्य तय करने हैं। ये समाधान स्थायी होने चाहिए और फ्यूचर रेडी होने चाहिए। इस तरह के प्रयासों के लिए हम पार्टी में नए इंटेलेक्चुअल सेल्स भी बना सकते हैं, नए विचारों पर सेमिनार्स करने और उन पर आगे बढ़ने की एक व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। साथियों, जब हमारे सामने 2047 के विकसित भारत जैसा बड़ा लक्ष्य है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़े। हमें सफलताओं को सेलिब्रेट तो करना है, लेकिन अगले ही पल अगली चुनौती के लिए कमर भी कसनी है। और हमें ये सब BJP की मूल विचारधारा के प्रकाश में ही करना है।
भारत के संविधान की सीमाओं में ही रहना है। हमें भारत के समाधान उधार की सोच से नहीं, भारत की जड़ों से ही, भारत की परंपराओं से ही, भारत के कोटि कोटि जनों के सदियों के अनुभव से ही उस अमृत से आगे बढ़ना है। इस सोच के साथ हमें भाजपा को 21वीं सदी की भविष्य की पार्टी बनाना है। हमें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि 2024 में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। ये बात सही भी है, लेकिन हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। हमें चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहना है, कोटि कोटि जनों के दिलों को जीतना, ये हमारा मकसद है। हमें हर चुनाव उसी परिश्रम से लड़ना है जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए हैं। मुझे विश्वास है कार्यकर्ताओं की ताकत और राष्ट्र प्रथम का संकल्प हमें इसी तरह ऊर्जा देता रहेगा। आज के इस शुभ अवसर पर दो पड़ाव, 50 साल जब बीजेपी के होंगे और 100 साल देश की आजादी के होंगे, आइए एक खाका खींचे, योजना बनाएं, जन जन के दिलों को जीतते हुए मां भारती के जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं, उन सपनों को साकार करते रहें। आज हनुमान जयंती पर स्वयं हनुमान दादा भी हम पर आशीर्वाद बरसाएं, और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप ही होती है, उस जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। उन आशीर्वादों को लेकर के भी हम आश्वस्त होकर के आगे बढ़े। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की।